देखो नाव ये टकरा गई। अभी नाव नाव को एक्सीडेंट होते हुए पहली बार देखी हमने। है बरसाना में कहीं होता तो यहाँ यहाँ पे राधा रानी का महल है, राधा रानी रहती थी यहाँ से, ऊपर से ही कान्हा जी को देखती थी। मेरा कान्हा आ रहा है, मेरा कान्हा आ रहा है। पहले श्री कृष्ण भगवान ने कालिया नाग मारे तो या मैं, और अब कहीं को छोटो मोटो नाग दिखेगा तो मैं भी मार दूंगा। तो हेलो दोस्तों, आप सभी को सुबह की राधे कृष्णा। और हम वृंदावन से निकल लिया है क्योंकि वृंदावन में बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ गई है, तो भैया यहाँ के मंदिर में दर्शन करना और घूमना हो गया है मुश्किल। तो हम यहाँ से जा रहा है गोकुल, क्योंकि उधर के एरिया में थोड़ी कम भीड़ है। तो हमारी गाड़ी में हवा कहीं कम हो गई थी टायर में, तो चार ही टायर उनमें हवा डलवा ली है, और यहाँ से फिर हमने एक ले ली है मरंडा की बाटर, और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं आगे। कौन सी सही है? कोई सी भी ले लेते हैं। फंटा का मरिंडा फंटा ले लेते हैं। चलो ठीक है, चलो अब निकलते हैं। गोकुल पहुंचने वाला है, और यहाँ से गोवर्धन पर्वत है 5 किलोमीटर। तो ये हम आ गया है गोकुल में, और हमारे सामने है कौन सा पर्वत है? नाम भूल गए, कौन सा पर्वत है यार? यो गोवर्धन पर्वत, गोवर्धन पर्वत। अरे यो सामने तुम्हें दिख रहे हो, यो गोवर्धन पर्वत है। और ठीक है, और अब हम जहाँ पे आया है हमारो एक साथी है, वहाँ पे हम पहुँच जाएं, फिर बाद में मिलते हैं। यहाँ गांव में भंडारो है, तो भंडारो खाने आया हम। क्यों राजपाल, आगे टेंट लग रही है, है? आगे टेंट। हाँ तो वहीं पे तो भंडारो खावा आया अपन। अच्छा, जिम भी आया। हाँ अरे चलो, तो भूख लग रही कि नहीं? अब भूख भी लग रही है, पर के बताऊँ ना। और अपने इनंग सारा गेहूँ कट गया और हिट भी गया, और यहाँ की जगह तो अभी गेहूँ आ रही है। क्यों आ रही है? नहीं यार गेहूँ क्या, अपन ठेको ले ला, ठेको ले ला। यहाँ पे गेहूँ मतलब अभी कटे नहीं, जिधर देखो उधर सब सबका गेहूँ ठाड़िया है। मैं राजपाल को ज्यादा प्यार देना चाहता हूँ, मतलब भगवान उसके ऊपर ज्यादा आशीर्वाद बनाए। मेरे भाई भले मैं पीछे रह जाऊँ, पर मेरा भाई हमेशा आगे रहना चाहिए। लड्डू भी मेरे भाई को दे दिया, एक पेड़ा भी दे दिया। भाई साहब बहुत देखते रहते हैं ना, तो हम अंकल जी ने पहचान लिए। पर बाकी पूरा देश अपना ही है, तो बरसाना में राधा रंजन राधा रानी मंदिर पे आ गए। ये मैंने वीडियो से देखा यार, तो हम आ गए हैं बरसाना में। कहीं होता तो यहाँ यहाँ पे राधा रानी का महल है, राधा रानी रहती थी यहाँ से, ऊपर से ही कान्हा जी को देखती थी। मेरा कान्हा आ रहा है, मेरा कान्हा आ रहा है। अच्छा, तो ये मतलब उसी टाइम को मंदिर है जब राधा जी, ये मतलब उनको घर है? हाँ राधा जी का महल है जहाँ वो रहती थी, भवन है। अच्छा, मतलब ये उनको घर है उस टाइम को। हाँ। तो पर यहीं से कृष्ण भगवान कैसे दिख जाता था? कितना ऊपर है, पूरा गांव दिखता है, तो कृष्ण भगवान ना दिखेंगे? तो यहाँ से मना कि इतना छोटा छोटा दिखे तो फिर कृष्ण भगवान कैसे दिख जाता था? भगवान थे, फिर दूसरी बात गायों के साथ आते, ग्वाले थे वो गायों के। अच्छा, तो मतलब दूर से गया दिख जाती थी, टोली आती थी एक साथ में, तो बस धूल उड़ती थी, राधा रानी खुश आ गए आ गए। ओ भाई वीडियो ना राधे राधे, ये राजपाल है, ये रात्रि भी खाया। देखो भगवान की मेरे ऊपर इतनी कृपा है कि मैं जहाँ से जाऊँ वो ऑटोमेटिक रास्ता बन जाए, तो हम लाइन में लगने जा रहे थे तो यहाँ शॉर्टकट से आ गया। यो कलर कलर हो गया।
हमने फेंके थे ये फिर में ये दिख गए भैया। अच्छा ये बारे भैया तो हमने दर्शन कर लिया, राधा रानी का दर्शन कर लिया है मंदिर के अंदर, और हमें पहली बार में जितना अच्छा दर्शन हुआ अभी तक नहीं होया। ये जो यहाँ की जगह रात दिन रहे इन्हें भी नहीं होया। क्यों नहीं? मुझे नहीं, मैं तो पहली बार आई हूँ। राधा रानी ने ऐसी कृपा करी आपके साथ, सीधे बुलाया, वो इंतजार कर रही थी कि कब धर्मेंद्र जी आए और कब मैं सुजाता को बुलाऊं, और सीधे मंदिर के अंदर सीधे मतलब लाइन में लगने जा रहा था, पर हमारे एक पुलिस वाले सर थे, उनने सीधा डायरेक्ट से VIP गेट से सीधा अंदर मंदिर के यहाँ पहुँचा दिया। सिंगल फोटो है, मैं तो सिंगल ही हूँ। हमारे साथ एक सिंगल। चलो मैं गाड़ी क्या लेंगे। अभी था हम टाउनशिप में, कही है यहाँ रिफाइनरी नगर। रिफाइनरी नगर, तो यहाँ से हम जा रहे हैं गोकुल। गोकुल के नाव में झूलने है नी, यमुना जी के पास, गोकुल बैराज। यमुना जी में झूलने जा रहे हैं। नहीं, नाव में बैठेंगे। नाव में बैठेंगे, मैं झूलने की जैसे कह रही हूँ कि ये पीछे बैठे हैं, ये सुजाता यूँ बोल रही थी कि नाव में झूलेंगे। मेरे मुंह से निकल गई। गोकुल बैराज में, और ये सामने यमुना नदी है। ये यमुना नदी को ब्रिज है, यही में ही दो वो कालियो नाग जो कृष्ण भगवान ने मारे तो नहीं, वो कालियो नाग यही नदी में था। तो हम आ गया है यमुना नदी के किनारे, और ये देखो पहले श्री कृष्ण भगवान ने कालिया नाग मारे तो या मैं, और अब कहीं को छोटो मोटो नाग दिखेगा तो मैं भी मार दूंगा। हम भी आपके साथ एक फोटो खिंचवाएंगे। हाँ खींचो ना, क्योंकि आपके फोटो पे हम बहुत लाइक कर देते हैं। अरे आप सबकी वजह से हूँ मैं। तो अब हम यमुना जी के बीच में जाके क्रिकेट खेलेंगे, और मैं इतना लंबो सिक्स मारूंगा कि सीधे मथुरा में जाके गिरेगा। अरे ये गाड़ी को मुंह इधर कर दो, फोटो वोटो खींच लेंगे। कहाँ है ड्राइवर? फंस गई है यहाँ पर। नाव इतनी दूर जाएगी, वहाँ किनारे तक नहीं जाएगी, तो हमें उतर के जाना पड़ेगी। ना आता है? नहीं आता, तो मुझे भी नहीं आता तैरना, और यहाँ नाव फंस गई है। मैया आओ, कैसे जाएंगे घर? चले जाएंगे हम कछु ना कछु से। कैसे तैर के? ओ तुम काहे को नीचे जा रहे है? हम यमुना जी में, और यहाँ पे कोई तो टकरा गई। ये देखो नाव, ये टकरा गई। अभी नाव को एक्सीडेंट होते हुए पहली बार देखी। भाई साहब 20-25 मिनट बोल के 5 मिनट घुमा दिया, बस लगा दिया। ऊपर तक टकरा देंगे नावन की टक्कर का, वो देखी है भाई साहब। ये है वो जालिम आदमी जिसने मेरा दिल तोड़ा। फोटो खिंचा के चले गए दिल में इनके नाम में। लो तुम्हारे दिल में फोटो खिंचा लिया उनने। मैच हो गया चालू यमुना जी के किनारे पे। ये रही यमुना जी, ये देखो बॉलर, और ये हमारे राजपाल, ये हमारे बैटर, ये देखो सिक्का भाई।